हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हो माय स्मार्ट ऐप। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैंने वीडियो मेकिंग, स्टोरी टिप्स एंड एडिटिंग ट्रिक्स बताते रहता हूं। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो या फनी वीडियो या शॉर्ट फिल्म बनाती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ मैं वीडियो मेकिंग, स्टोरी टिप्स एंड यूट्यूब की कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताते रहता हूं और कुछ नॉलेजफुल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो आप अगर वीडियो बना रहे हो तो आपकी कोई हेल्प हो सके। तो गाइस, जिस वीडियो की क्लिप आपने शुरू में देखी हो उसी तरह से कुछ एडिटिंग करना चाहते हो आप, कोई भी शॉर्ट फिल्म के लिए टेक्स्ट मैसेज आप व्हाट्सएप की ओरिजिनल दिखाना चाहती हो तो आपको क्या करना है, तो इस वीडियो पे हम यही एडिटिंग करके दिखाएंगे। तो इसके लिए गाइस, आपको वीडियो को बस एंड तक देखना है बिना कोई स्किप करके। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब बात याद रहे और ना रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। आप अगर काइनेमास्टर को यूज़ कर रहे हो तो आप काइनेमास्टर से भी इसे बड़े आसानी से कर सकती हो। तो गाइस, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकती हो, सिर्फ उस पर क्रोमा की के ऑप्शन होना चाहिए। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक कर लेना फर्स्ट, और आपको अपनी जो ओरिजिनल वीडियो है उसे यहाँ इम्पोर्ट कर लेना। तो गाइस, ये है हमारी ओरिजिनल वीडियो। तो आपको कुछ इस तरह से अपनी वीडियो को शूट कर लेना है। ओके, अगर आप यहाँ पे कोई फ़ोटो ऐड करना चाहती हो या टेक्स्ट टाइप करना चाहती हो तो वो अच्छा नहीं होता है, या आप परफेक्टली नहीं कर सकती है, और वो वीडियो देखने को भी ऐसा लगेगा कि भाई ये ज़बरदस्ती कुछ किया है वीडियो पर। लेकिन आप अगर करना चाहते हो कुछ रियलिस्टिक, तो आपको करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लेयर पे क्लिक किया हूँ, और लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैं व्हाट्सएप को, तो यहाँ आप देख सकते हो जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से आपको वीडियो को शूट कर लेना है, और उसके बाद आपको अलग से जो है स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है। ओके, और व्हाट्सएप पर जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करोगी तो आपकी व्हाट्सएप की जो वॉलपेपर है उसकी बैकग्राउंड आप सेम कलर कर लेना है। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ एक आइकन दिखाओ, और उसके बाद आपको वॉलपेपर बोल के एक ऑप्शन मिलेगी, वहाँ क्लिक करके आप उसकी कलर को चेंज कर लेना है। और उसके बाद आपको जो करना है, यहाँ से आप देख सकते हो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। ओके, तो हमें क्रॉप करके यूज़ करना है, और ये प्रॉपर तरीके से करना है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। तो चलिए हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ क्रॉपिंग के ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से जो क्रॉप कर लेना है, आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरह से कुछ क्रॉप कर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ एक क्रोमा की ऑप्शन मिलेगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है, और इसकी बैकग्राउंड को आपको रिमूव कर लेना है। यार, यहाँ मुझे और भी क्रॉप करना है, नीचे एक वाइट डार्क दिख रहा है तो इसे हमें नहीं चाहिए, तो हमें और भी क्रॉप करना है, तो हम इसको भी क्रॉप कर लेते हैं, और ये कुछ इस तरह के आएगी। ओके, और उसके बाद आप आपके कैरेक्टर की मोबाइल के नीचे आप इसको फिट कर देना है, और आप यहाँ देख सकती हो ये कुछ इस तरह से जो है टाइपिंग दिखाएगी। ओके, तो गाइस, आपके काइनेमास्टर पे अगर दो तीन लेयर सपोर्ट कर रहा है तो इसे डुप्लीकेट करके यूज़ कर सकते हो, वरना आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो चलो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, नीचे आपको वही आपको स्क्रीन ले लेना है, और इसको आपको क्रॉप करके आपकी टेक्स्ट को जो है शो करना है। तो यहाँ आप उतना ही क्रॉप कर ले जितना आपकी टेक्स्ट मैसेज है, बाकी जो पार्ट है आप उसे क्रॉप करके फेंक देना है। तो इसको और थोड़ा सा क्रॉप करना है हमें। ओके, सो ये अभी परफेक्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो टेक्स्ट है वो यहाँ आ चुका है, तो हम इसको यहाँ से फिट कर देते हैं। ओके, तो आप इसको प्ले करके देख सकती हो। तो गाइस, उसके बाद आप अगर अपनी कैरेक्टर की फ़ोटो ऐड करना चाहती हो यहाँ पे तो आप कर सकते हो। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक कर देना। ओके, और उसके बाद उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो को ऐड कर लेना है, और फ़ोटो को यहाँ क्रॉपिंग के ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पर क्रॉप कर देना है। यहाँ मास्क पर क्लिक कर देंगे तो ये राउंड सेव हो जाएगी, गोल। ओके, और इसको कुछ इस तरह से फिट कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ टिक पे क्लिक कर देना है, और इसको उंगली से आपको छोटा कर लेना है, और
यहाँ पे आपकी पोजीशन पे फिट कर देना है। तो गाइस यहाँ मैं एक कैरेक्टर की फ़ोटो को ऐड कर दिया हूँ और उसके बाद आपको यहाँ दूसरा जो कैरेक्टर को आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसकी भी आपको फ़ोटो ऐड करना है। तो आपको यहाँ से उस टाइम को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ आप सेंड कर रहे हो मैसेज। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम देखना है, ओके। और यहाँ पे हमारी जो मैसेज सेंड हो रहा है तो ये जो टाइम दिखा रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, इसकी कलर चेंज हो जाएगी, ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद फिर से मीडिया को क्लिक करना है और यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, क्रॉप करना है, यहाँ मास्क पर क्लिक करके इसकी शेप को गोल कर लेना है और इसको भी कुछ इस तरह से फिट कर देना है। टिक पर क्लिक करके इसको भी इसकी पोजिशन पर फिट कर देना है, ओके। और उसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन कर लेना है जिसमें अपनी वीडियो है उसमें आपको कर लेना है, ओके। तो नीचे आप इस फोटो को डुप्लीकेट कर लेना और भी अगर आप टेक्स्ट सेंड कर रहे हो तो उसके बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है लेयर अगर ज़्यादा हो गया है तो। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक डिस्प्ले शो होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो इससे फ़ोटो है इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आप देखते हैं कुछ इस तरह की हमारी फ़ोटो आएगी, ओके। और उसके बाद आपकी जो फ़ोटो है उसको भी आप जितना अपना वीडियो है उतना कर लेना है और आपकी वीडियो रेडी है, आप इसको प्ले करके देख सकती हैं। गाइस आपकी वीडियो कुछ ओरिजिनलिटी लुक देगी, तो आप इसी तरह से बहुत ही इजी से और बहुत ही आसानी से वीडियो को एडिट कर सकती कोई भी शॉर्ट फिल्म के लिए। तो जब भी आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आप जब एडिट करोगे तब स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना मैसेज या टेक्स्ट सेंड करके। सो गाइस आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टोरी टिप्स एंड वीडियो एडिटिंग के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो और भी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, देखना चाहते हो देख सकते हो। अच्छा है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।